छल छल कल कल करता हुआ हमारा पहाड़ों का, पहाड़ों से आता हुआ पानी और इसी सुंदरता के साथ मैं आपके इस ब्लॉग में, इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ गाइस। देखो किस तरीके से अपने मुहाने में मिलता है पानी। सो वेलकम न्यू ब्लॉग। इस पानी की तरह अभी आप लोग भी हमेशा बहिए और खुश रहिए और ऐसे छल छलाते और खलकते रहिए। मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और मैं हूँ अभी आपका चलती के पूल में और चलती वाली लोकेशन में। तो आज का ब्लॉग हम कवर करेंगे नेचुरल ब्यूटी को और राइडिंग को। सो कीप वॉच और आपको बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी। गुड डे। तो गाइस अभी मैं हूँ चलती के पूल में, जो ये देख सकते हैं आप, ये कितना बढ़िया बन गया है। बहुत ही ईजीएस्ट हो गया है यहाँ से जाना, बहुत ही शॉर्ट। और नया पूल भी इनोग्रेट हो गया है, देख सकते हैं आप ये। तो ये बहुत ही टाइमली शॉर्ट, पहले बहुत लॉन्ग जाना पड़ता था, बिल्कुल शॉर्ट हो गया है। तो ये अपडेट है भी आप लोगों के लिए। और यहाँ से मैं आगे को मूव करूँगा। ये मेरी जूस खड़ी है और नीचे छल छल कल कल करता हुआ पानी, नदी की धाराएं आ रही है। और यहाँ से हम मूव करेंगे सीधे आगे की ओर। तो गाइस मैं यहाँ से अब आगे को मूव कर रहा हूँ अपनी जूस में स्कूटी के साथ। और मैं दिखाता रहता हूँ, वो कवर करता रहता हूँ पूरा जो भी हमारा रोड व्यू है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर ब्यूटी है यहाँ पर को। तो चलती से ऊपर को मैं निकल चुका हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आज हमारे पास कुछ स्पेशल टॉपिक तो नहीं है, बट जो है वो है सिर्फ नेचर और इसमें मॉडर्नाइजेशन और जितना भी लेटेस्ट अभी यहाँ पर को डेवलपमेंट हुआ है वो आप देख सकते हैं कि कितनी रोड, जो हमारी रोड है कितनी चौड़ी हो चुकी है। और अब यहाँ हम पहुँच चुके हैं, यहाँ से जो बोर्ड देख रहे हैं सामने चंपावत, यहाँ से 39 और घाट 84 है। तो मुझे जाना है पिथौरागढ़ और मेरे ये बहुत ही अमेजिंग ट्रैवल है। तो आप बने रहिए और मैं आपको सारे आगे के जितने भी अच्छे और अट्रैक्टिव पॉइंट्स होंगे मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मुझे सपोर्ट करिए और इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और उसको जितना भी चाहें आप शेयर करिए। ये देख सकते हैं गाय भी है रस्ते में। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं जहां खनन कार्य होता है हमारा। देख सकते हैं आप लोगों को सारी रोड़ी बजरी सब यहीं से हमारा चलती से होता है इकट्ठा, और फिर ये सप्लाई होता है पिथौरागढ़ को और चंपावत, पिथौरागढ़ और आगे को सप्लाई होता है। देख सकते हैं आप ये। तो ये है हमारा वो प्लेस जहाँ ये सारे ट्रकों में ज़रा भरा जाके सप्लाई करा जाता है, नदियों से आता है ये सारा। और ये जगह है, इसको बोलते हैं चलती। तो बहुत हाई लेवल में, ऊंचे पैमाने में आपको काम किया जा रहा है। और यहीं से हमें जो भी आपको रेत बजरी मिलता है वो सस्ता भी मिलता है और बहुत अच्छा भी मिलता है।